पीएचए शहर को सरसब्ज बनाने के लिए कोशां। जिलानी पार्क में विफाकी वजीर ब्राय माहौलियात मलिक अमीन असलम की प्रेस ब्रीफिंग। पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय माहौलियात रुखसाना नवीद, डीजी पीएचए डॉक्टर फैसल जहूर समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। विफाकी वजीर मलिक अमीन असलम ने रिंग रोड पर 1,00,000 दरख्त लगाकर ग्रीन कॉरिडोर बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत अब कब्जों की जगह पर जंगलात लगाएगी। लाहौर से सिर्फ 1 घंटा दूर 100 मुरबा जमीन जो थी वो कब्जे के ऊपर थी और वो कब्जा छुड़वा कर पहली बार कब्जे पे जंगलात लगाए जा रहे हैं। तो ये अर्बन फॉरेस्ट्री का पहला मंसूबा है कि ग्रीन रिंग रोड को हम करेंगे और उसमें 1,00,000 पौधे तकरीबन लगाए जा रहे हैं इस सीजन के अंदर। चेयरमैन पीएचए यासिर गिलानी और वाइस चेयरमैन हाफिज जिशान ने कहा, परिंदों के बसेरे और फलदार दरख्तों के हुसूल के लिए सालहा साल रहने वाले कद आवर पौधे लगाए जाएंगे। 1,00,000 दरख्त जो है लाहौर रिंग रोड के ऊपर, मैंने फिर बताया कि जिसकी हाइट जो है वो 6 फीट से 10 फीट होगी और उसके अंदर अर्जुन है, पिलकन है, सुखचैन है, नीम है, जामुन है, मौसरी है, ये वाले जो पौधे हम लगाएंगे एटलीस्ट वहाँ पे कुछ फलदार भी हैं, कुछ परिंदे जहाँ पे आके बैठते हैं और जो एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। हुकूमती वुजरा और नुमाइंदों ने भी दावों की बजाय सिर्फ काम करने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद राफी के साथ शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।